नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 19 जून। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 7000 के पार। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 100 नए मरीजों की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 7040 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 3, अरवल में 1, औरंगाबाद में 4, भागलपुर में 3, बक्सर में 2, दरभंगा में 22, गया में 3, जहानाबाद में 3, कैमूर में 2, किशनगंज में 2, मधुबनी में 2, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 1, नवादा में 2, पटना में 14, रोहतास में 19, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 6, सिवान में 4 और वैशाली में 5 मामले पाए गए हैं। बिहार में कोविड 19 से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 4961 पर। बिहार में जहां एक तरफ कोविड 19 प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इससे ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर अब तक 1,39,584 सैंपल की जाँच की जा चुकी है, जिसमें से 6,993 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कोविड 19 से अब तक 4,961 मरीज भी ठीक हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कोविड 19 की वजह से अब तक 44 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार रेजिमेंट के 5 सैनिक का पार्थिव शरीर पहुंचा पटना एयरपोर्ट। बिहार रेजिमेंट के 5 जाबाज सैनिकों का शरीर पटना एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। बुधवार को ही बेहटा के एक सैनिक के पार्थिव शरीर को पटना एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया था, जिसके बाद बीते दिन 4 और सैनिकों के शरीर को पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई अहम अधिकारियों ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। खबरों की माने तो जिन सैनिकों के शरीर को आज पटना पहुंचाया गया, उसमें भोजपुर के सिपाही चंदन कुमार, वैशाली के सिपाही जयकिशोर सिंह, समस्तीपुर के सिपाही अमन कुमार और सिपाही कुंदन कुमार का नाम शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1000 एकड़ जमीन देने का किया वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से बैठक की थी, जिसमें बिहार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का दावा किया था, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर केंद्र सरकार पहल कर कोई उद्योग लगाने में मदद करेगी तो राज्य सरकार 1000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने को तैयार है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने बिहार में उद्योग स्थापित करने पर सोच विचार कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में फूड प्रोसेसिंग, गारमेंट्स, टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उद्योग की प्रबल संभावनाएं मौजूद है। संभावित बाढ़ को देखते हुए रेलवे ने किए जरूरी सुरक्षा इंतजाम। बिहार में मॉनसून की शुरुआत हो गई है, वहीं बारिश के साथ साथ दूसरे देशों से पानी आने की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके साथ ही बाढ़ आने की स्थिति भी उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, जिसके बाद बाढ़ग्रस्त इलाकों में आने वाले रेल मार्गों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने कई एहतियाती कदम उठाने का ऐलान जारी कर दिया है। खबरों की माने तो पूर्व मध्य रेल क्षेत्र में जहां पर भारी बारिश की स्थिति में रेल पटरी हो अथवा रेल पुल पर पानी आने की संभावना बढ़ी हुई है, इसी को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसके तहत रेल मार्ग के पास पत्थरों के बॉर्डर स्टोन, डस्ट, सीमेंट की खाड़ी बोरियां, बांस, बल्ली आदि पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। बिहार परिवहन विभाग ने सभी जिलों में निजी क्षेत्र से ड्राइविंग स्कूल खोलने का दिया निर्देश। कुशल वाहन चालन प्रशिक्षण के लिए जिलों में नए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का फैसला सुनाया गया है, जिसके लिए बिहार परिवहन विभाग ने जिलों में निजी क्षेत्र को चिन्हित करने का आदेश जारी कर दिया है। परिवहन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के ट्रेनिंग स्कूल मानक के अनुरूप होंगे, जिसमें LBM श्रेणी के वाहन ट्रेनिंग से संबंधित सभी तरह के आवश्यक उपकरण एवं संसाधनों से युक्त रहने की बात कही गई है। राज्य में वर्तमान में संचालित ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के संचालकों के साथ 19 जून को परिवहन विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। BPSC ने मुख्य लिखित परीक्षा की तारीख बढ़ाई। बिहार लोक सेवा आयोग ने 400 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए 65वीं संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा की तारीख कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण बढ़ा दी है, जिसकी जानकारी परीक्षा कंट्रोलर ने दे दी है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 24 जून तक तय की गई थी। वहीं स्पीड पोस्ट से आवेदन की अंतिम तारीख 4 जुलाई तक कर दी गई है। इसके साथ ही परीक्षा शुल्क भुगतान की तारीख को भी 10 जून से 24 जून तक कर दिया गया है। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा मंडल परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की है। इतना ही नहीं, बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, मिजोरम के पूर्व राज्यपाल अनुग्रह नारायण सिंह समेत कई नेताओं ने भी माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है।
फोरलेन सड़क से जुड़ेंगे सभी जिला मुख्यालय। सभी जिला मुख्यालय को फोरलेन सड़क से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत पथ निर्माण विभाग ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार की कोशिश है कि जो जिला मुख्यालय की ओर से सभी फोरलेन सड़क योजना नहीं है, वहां योजना बनाकर इसी साल काम शुरू कर दिया जाए। फोरलेन सड़क बनाने से जिलों में लगने वाले जाम की समस्या से निजात मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है और लोग आसानी से जिला मुख्यालय में आवाजाही भी कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्य के 38 जिलों में से सभी 15 जिलों से होकर फोरलेन पुल गुजरती है। राहुल गांधी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाएगी कांग्रेस। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर बिहार में कांग्रेस पार्टी ने सेवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला जारी किया है। इसके साथ ही कांग्रेस आज से पूरे बिहार में डिजिटल सदस्यता मुहिम की शुरुआत भी करने वाली है। साथ ही राहुल गांधी के जन्मदिन पर पार्टी ने पूरे बिहार में जरूरतमंदों के बीच भोजन और कपड़ा वितरण करने का भी कार्यक्रम आयोजित करवाया है। ज्ञात हो, राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था। राहुल गांधी का इतिहास राजनीति से जुड़ा हुआ है। उनके परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए आगे आए चिराग पासवान। बिहार से निकले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने साथ जो किया, उसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं जब से इस बात का खुलासा हुआ है कि सुशांत ने किसी परेशानी की वजह से उक्त कदम उठाया है, उसके बाद हर जगह से उन्हें न्याय दिलाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में बीते दिन लोजपा नेता चिराग पासवान ने मामले की जांच करवाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि बिहार का एक नवयुवक जो अपने अभिनय के कारण पूरे देश में लोकप्रिय था, 3 दिन पहले उसने ऐसा कदम उठा लिया। इस पूरे मामले के पीछे जरूर कोई बाहरी कारण रहा होगा, जिसकी जांच करवाई जानी बेहद जरूरी है। सरकारी स्कूल के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया गाइडलाइन। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल में नामांकन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र सौंप दिया है। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि COVID-19 की वजह से सभी विद्यालय बंद है। इसी बीच 30 जून 2020 का कक्षा 5 और 8 से प्राप्त हुए छात्रों का विद्यालय परित्याग पत्र बनकर सुरक्षित रखने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे विद्यालय खुलने पर छात्रों को दूसरे विद्यालय में नामांकन में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। रघुवंश प्रसाद सिंह के COVID-19 होने के बाद राजनीति हुई शुरू। बीते दिन राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह में COVID-19 पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद राजनीति जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसी क्रम में बीते दिन जदयू नेता निखिल मंडल ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि तेजस्वी यादव और उनके नेताओं ने ही रघुवंश प्रसाद को COVID-19 के मुंह में धकेल दिया है। तेजस्वी को अपनी चिंता नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की चिंता तो करनी चाहिए। जिसके बाद राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी यादव का बचाव करते हुए कहा कि अब भाजपा जदयू को लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव का फोबिया हो गया है। पप्पू यादव ने की जनता और व्यापारियों से चीनी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करने की अपील। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बीते दिन सभी व्यापारियों और जनता से चीनी सामानों के इस्तेमाल को पूरी तरीके से बंद करने की अपील की है। इतना ही नहीं, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने चीनी मोबाइल कंपनी के ओप्पो के विज्ञापन पर काला पेंट भी लगाया। उन्होंने कहा कि मैं सभी अभिनेता और क्रिकेटरों से यह भी अपील करता हूं कि वह सभी चीनी कंपनियों का विज्ञापन ना करें। उनका कहना है कि चीन की सेना ने जो किया है, उसकी वजह से चीनी सामान के इस्तेमाल को पूरी तरीके से रोकना ही सही होगा। अनुपम कुमार ने बिहार में COVID-19 के रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जाने का किया दावा। सचिव सूचना एवं जनसंपर्क अनुपम कुमार और स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने COVID-19 के रोकथाम को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बीते दिन आयोजित की थी, जिसमें इन दोनों की अधिकारियों ने COVID-19 के बढ़ते वर्तमान स्थिति को लेकर लगातार किए जा रहे प्रयासों का वर्णन किया है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी किया है। मेडिकल इक्विपमेंट्स, उपलब्धता, अस्पतालों में बैठकर बढ़ोतरी, गरीब व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के अलावा ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सरकार की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई है। बिहार के कई जिलों में बारिश होने की जताई गई संभावना। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में मानसून के तहत आंधी गरज के साथ तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने यह भी साफ कहा है कि बिहार में जून महीने में अब तक का सामान्य से 102% अधिक बारिश हो चुकी है। शुक्रवार को प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें, मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार भोजपुर, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, पटना, अरवल, सारण, रोहतास, बक्सर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जान गंवाने वाले जवानों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान।
भारत चीन के बीच कुछ दिनों पहले गलवान घाटी में हुए वाकया के बाद बिहार के 5 जवानों की जान चली गई थी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन जवानों के परिवार की मदद करने के लिए सरकारी नौकरी देने का ऐलान जारी किया है। इतना ही नहीं, 5 जान गंवाने वाले जवानों के परिवार को राज्य सरकार की तरफ से 11 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान भी दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत कोष के तहत इन 5 के परिवार को 25 लाख रुपए देने का भी ऐलान जारी किया है। 5वें चरण में बिहार के नियोजित शिक्षकों को 10 महीने से नहीं मिला है वेतन। 5वें चरण में आने वाले नियोजित शिक्षकों को बीते 10 महीने से वेतन नहीं मिला है। जिला परिषद पटना के अंतर्गत कार्यरत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों को राज्य सरकार के निर्देश और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश के आवंटन के बावजूद पिछले 10 महीने से वेतन नहीं मिलने पर पटना प्रमंडल माध्यमिक शिक्षक संघ ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित कर सख्त से सख्त कदम उठाने की मांग भी की गई है। इस साल सरकार पहुंचा देगी हर घर में नल का जल। बिहार सरकार के हर घर नल का जल योजना इस साल पूरा होते नजर आ रही है। इतना ही नहीं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार को 100% हर घर जल राज्य बनाने के लिए पूरा सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे एक पत्र में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार ने 2020 के दौरान बिहार के लिए आवंटित राशि 1,832.66 करोड़ रुपए कर दिया है, जो पिछले साल से 2 गुना ज्यादा है, जिसके बाद अब बिहार के पास जल जीवन मिशन के लिए 2,52.95 करोड़ उपलब्ध है। ऐसे में हर ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 4,339.95 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार अब बिहार की मदद करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियों का विसर्जन हुआ पटना के NIT घाट पर। बिहार से निकले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियों को पटना के NIT घाट की गंगा में प्रवाहित कर दिया गया है। इस दौरान अभिनेता के पिता के सिंह और उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति मौजूद रही। आपको बता दें, 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ले ली थी और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विलय पार्ले में करवाया गया था। अब उनकी अस्थियों का विसर्जन गंगा घाट में करवाया गया है। राबड़ी देवी ने विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए संसदीय बोर्ड की करवाई बैठक। बिहार में विधायक कोटे से 9 सीट पर होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर उम्मीदवार चयन करवाने के लिए राजद जोर शोर से अपनी कोशिशों में लगा है, जिसके तहत राबड़ी आवास पर बीते दिन एक बैठक का आयोजन करवाया गया था। हालांकि यह बैठक केवल नाम मात्र ही थी, क्योंकि उम्मीदवार चुनने का पूरा दारोमदार एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को दिया गया है। वहीं विधायक कोटे की 9 सीटों पर चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू करवा दी गई है। इन 9 सीटों में इस बार राजद के कोटे में 3 सीटें आने वाली, जिसके लिए कैंडिडेट्स का मंथन शुरू कर दिया गया है। 20 जून को प्रवासी मजदूरों के लिए मोदी सरकार लेकर आ रही है नई सौगात। कोविड-19 के माहौल में मजदूरों की मदद के लिए केंद्र सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार करने का निर्देश दे दिया है, जिसकी शुरुआत 20 जून से होने वाली है। खबरों की माने तो मोदी सरकार गरीब कल्याण रोजगार मुहिम योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना की मदद से बंद के दौरान अपने राज्यों और गाँव वापस लौटने वाले लाखों लोगों के रोजगार और पुनर्वास के लिए पूरा खाका तैयार किया जाएगा, जिसके बाद इस मुहिम को 6 राज्यों के 116 जिलों में और 125 दिन तक चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत खगड़िया जिले से होने वाली है। सुशांत सिंह के जाने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया अपना बयान। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। इसी क्रम में बीते दिन कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे सुशांत काफी स्वाभिमानी दिखता था। अगर प्रॉब्लम थी, मुसीबतें थी, अगर कुछ लोग परेशानी का सबब बने थे तो उसे खुलकर सामने आना चाहिए था और दमखम के साथ मुकाबला करना चाहिए था। बॉलीवुड में नेपोटिज्म के मामले में जांच की जा रही है। इन बातों की खोजबीन करने की कोई विशेष लाभ तो नहीं होगा, क्योंकि जाने वाला तो चला गया है। उनके और उनके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि और संवेदना है। अमेजॉन के साथ पार्ट टाइम कमाई का खुला रास्ता। अमेजॉन इंडिया ने देश के 35 से ज्यादा शहरों में अमेजॉन फ्लेक्स डिलीवरी प्रोग्राम की घोषणा की है, जो कि जून 2019 में ही लॉन्च किया गया था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्ट टाइम काम कर रहे थे। हालांकि साल 2019 में लॉन्च हुआ यह प्रोग्राम महज 3 शहरों तक ही सीमित था, मगर अब इसे 35 शहरों तक पहुंचाया गया है। खबरों की माने तो अमेजॉन ने अपने इस नई योजना को रायपुर, हुबली, ग्वालियर और नासिक आदि में विस्तार किया है। आपको बता दें, इस योजना की मदद से अमेजॉन अपनी डिलीवरी क्षमता बढ़ाने का काम कर रही है। रणजी टीम के लिए श्रीशांत को साबित करनी होगी अपनी फिटनेस। भारतीय तेज गेंदबाज श्रीशांत खेलने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। सितंबर में उनके ऊपर लगाए गए प्रतिबंध की समय सीमा खत्म हो जाएगी, जिसके बाद केरल के रणजी टीम में खेलने का मौका मिल सकता है। हालांकि केरल क्रिकेट संघ ने यह साफ कर दिया है कि रणजी टीम में खेलने से पहले श्रीशांत को उनका फिटनेस साबित करना होगा, जिसकी जानकारी केरल रणजी टीम के नवनियुक्त कोच ने एक मीडिया से बातचीत के दौरान दी है और कहा है कि KCA ने फैसला किया है कि एक बार जब सितंबर में उन पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा तो फिर टीम में
चयन के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अमित कुमार, पूजा कुमारी, लालदेव सिंह, सरोज बिहारी, भोजपुर ऑफिशियल, शंभू चौधरी, मोहम्मद सज्जाद, सुनील कुमार, बिट्टू कुमार, दिनेश कुमार, तुलसी कुमार, विजय कुमार, सुनील कुमार, दीपक कुमार, आशीष कुमार, मोहम्मद शब्बीर आलम। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के जान गंवाने की वजह नेपोटिज्म है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।